दोस्तों, आप किस्मत पर कितना यकीन करते हैं या करते ही नहीं? क्योंकि सैम दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है जिसकी लाइफ में जरा सा भी गुड लक नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि वो अपने बैड लक से लड़ पाती है या कोई गुड लक उसकी लाइफ में आता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सैम और उसकी दोस्त हेजल को देखते हैं जो म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनका सारा सेटअप खराब हो जाता है, जिसे हेजल सैम को कहती है कि वाकई सैम, तुम्हारा लक तो सच में बहुत खराब है। और हेजल सैम को बताती है कि उसे वीडियो से पहले उसके लिए गुड लक ढूंढना होगा। सैम और हेजल एक साथ ऑर्फनेज में रहती है। हेजल सैम को उसके लकी चार्म का बॉक्स सिखाती है जिसमें उसके लकी चार्म को बढ़ाने के लिए और नए मेहमान आए हैं, और अब उसे जरूरत है तो सिर्फ एक लकी पेनी की, जिससे उसके अगले वीकेंड विजिट पर कोई प्यारी सी फैमिली उसे अपने साथ ले ही जाएगी। तभी एक स्टाफ लेडी आकर सैम से कहती है कि चलो, सोशल वर्कर बाहर तुम्हारा वेट कर रही हैं। आज सैम को ऑर्फनेज छोड़कर जाना होता है क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी है और बड़े होने पर आज उसका हेजल के साथ आखिरी दिन होता है। पर वो स्टाफ लेडी से कहती है कि क्या वो 2-3 दिन और रुक सकती है हेजल के लिए, और हेजल के चले जाने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी। पर स्टाफ लेडी कहती है कि ये मुमकिन नहीं, और वो चाहे तो विजिटिंग आवर में हेजल से मिल सकती है। और फिर सैम हेजल को पेनी लाने का वादा करती है। सोशल वर्कर सैम को उसके पहले के रिकॉर्ड उसे देती है और उसमें उसकी पहली विजिट की यादें होती है, पर उसकी बुरी किस्मत के कारण उसे आज तक कोई फॉरएवर फैमिली नहीं मिली। पर सैम अब फैसला करती है कि वो अपनी लाइफ अब खुद के दम पर जिएगी, और उसने अपने लिए एक नई नौकरी तक ढूंढ ली है। पर घर पहुँचते ही सैम से दरवाजे की चाबी उसके हाथ से गटर में गिर जाती है। पर तभी सोशल वर्कर कहती है कि मुझे पता था, इसीलिए मैंने सेफ्टी के लिए एक और चाबी रख ली थी, और उसे सैम को देकर उसे गुड लक विश करती है। अगले दिन सैम के जॉब का पहला दिन होता है, पर सुबह होते ही उसकी मुश्किलें शुरू हो जाती है। पर वो अपनी किस्मत से हार नहीं मानती है और साइकिल लेकर सही वक्त पर अपने जॉब पर पहुंच ही जाती है, जहां स्टोर का ओनर भी देखता है कि सैम जो काम करने जाती है वो सब उल्टे हो जाते हैं, और वो उसे स्टोर के बाहर कार्ट पार्किंग का काम दे देता है। और वहां से फ्री होकर सैम हेजल से मिलने चली जाती है, जहां उसे पता चलता है कि हेजल की वीकेंड विजिट कैंसिल हो चुकी है और अब उसकी नेक्स्ट विजिट संडे को है। सैम हेजल से मिलती है जो बहुत उदास होती है, पर सैम हेजल को कहती है कि वो तो एक लकी लैप्रिकॉन है जिनके पास खुशियों का खजाना होता है, और क्या पता संडे को जो लोग आ रहे हैं वो तुम्हारी फैमिली बन जाए। जिससे हेजल कहती है कि क्या पता उससे पहले तुम्हें मेरे लिए लकी पेनी मिल जाए। और कुछ देर बाद सैम एक सैंडविच शॉप के बाहर होती है, तभी वो उसके पास एक ब्लैक कैट को देखती है, जिसे देखकर सैंडविच का कुछ हिस्सा तोड़कर वो उसे दे देती है। सैम इतनी अकेली होती है कि उदास होकर वो उस कैट से बातें करने लगती है कि अगर उसके पास थोड़ा सा भी गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती, पर वो चीज़ किसी को कैसे दे सकते हैं जो खुद के पास ही ना हो। तभी वो ब्लैक कैट वहाँ से जल्दी से भाग जाती है, और सैम देखती है कि ठीक कैट के सैंडविच पेपर के नीचे एक पेनी होती है, जिसे वो जल्दी से उठा लेती है। अगली सुबह सैम अलार्म के बजते ही उठ जाती है, और आज उसके साथ सब चीज़ें टाइम से और बिना किसी मुसीबत के हो रही होती है, जैसे कोई जादू ही हो गया हो। तभी उसे अपने पॉकेट में रखी वो पेनी दिखती है, जिसे वो पेनी को हाथ में लेकर अपना गुड लक टेस्ट करती है, और वाकई चीज़ें सच होती है, जिससे सैम को यकीन हो जाता है कि लकी पेनी नाम की चीज़ें सच में होती है। और फिर वो हेजल से मिलने का भी तय करती है। फिर सैम अपने जॉब के लिए चली जाती है, जहाँ सैम अपने काम को आसानी से करके बाजी मार ही लेती है। स्टोर का ओनर भी सैम से बहुत खुश होता है, और वो उसे कार्ड पार्किंग से फिर से शॉप के अंदर का काम सौंप देता है, जिससे सैम भी बहुत खुश होती है। सैम वॉशरूम में पेनी को फोन के साथ रख देती है, जिससे वो टॉयलेट में गिर जाती है। सैम फ्लश होने से पहले पेनी को उठाने की कोशिश करती है, पर आखिरकार वो पेनी सैम से फ्लश हो जाती है। पर एक बार सैम फिर से अपनी किस्मत को कोसती है, तभी वो फिर से उस ब्लैक कैट को देखती है और उससे बातें करते हुए बताती है कि उसे एक लकी पेनी मिलने के बाद भी उसने क्या किया, उसे वॉशरूम में फ्लश कर दिया। तभी वो ब्लैक कैट शॉक होकर बोलती है कि क्या तुमने मेरी लकी पेनी टॉयलेट में फ्लश कर दी। ये सुनकर सैम सरप्राइज हो जाती है कि तुम बोल सकते हो, और तुमने ही मुझे वो लकी पेनी दी थी, तो प्लीज मुझे एक और लकी पेनी दे दो। ये सुनकर वो ब्लैक कैट वहाँ से भागना शुरू कर देती है। सैम भी उसका पीछा करने लगती है, पर वो ब्लैक कैट बहुत लकी होती है और दूसरी तरफ सैम बहुत अनलकी होती है, जिससे वो कैट सैम को बार बार चकमा देती है। पर सैम भी लगातार उसका पीछा करती है, और वो उसे हेजल के लिए लकी पेनी लेकर रहेगी, पर वो कैट वहाँ से आगे निकल जाती है।
और कुछ देर बाद सैम अपनी दूसरी तरफ एक आवाज़ सुनती है। वो देखती है कि वही ब्लैक कैट किसी से बात कर रही है और वो एक पासवर्ड इंटर करके वहाँ एक डोर ओपन करती है जिससे एक ग्रीन लाइट निकल रही होती है। ये किसी जादू से कम नहीं होता। सैम भी ये सब देख कर जल्दी से उस होल के अंदर कूद जाती है और वो रास्ता उसे इंसानों की दुनिया से बहुत अलग दुनिया में ले आता है जहाँ वो फिर से उसी ब्लैक कैट को देखती है। सैम को देखकर ब्लैक कैट कहती है कि वो किस तरह के जिद्दी इंसान है, यहाँ इंसानों का आना मना है और उसे अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो सैम को छुपने के लिए कहती है। वह लैप्रिकॉन्स को देखकर सैम बहुत सरप्राइज होती है और सैम को पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उनके जाने के बाद बॉब कहता है कि उसने क्या कर दिया, पहले इंसानी खाना खाना, फिर उसी इंसान के सामने बोल पड़ना और तो और अपने ट्रेवल पैनिक को खोने वाले इंसान को अपनी दुनिया में ले आना। तभी सैम आकर बॉब से कहती है कि लैप्रिकॉन किसी पेनी डिपो की बात कर रहे थे, तो बॉब कहता है कि वहाँ सिर्फ लैप्रिकॉन जा सकते हैं, इंसान नहीं। तो सैम कहती है कि वो लैप्रिकॉन बन सकती है, वो हेजल के लिए पेनी डिपो से एक लकी पेनी लाकर वहाँ से चली जाएगी और तब तक तुम अपनी ट्रेवल पेनी जमा करने के लिए मेरे पर्स का बटन यूज़ कर सकते हो। और वो दोनों डील करते हैं कि काम होने के बाद सैम वहाँ से चली जाएगी और अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगी। फिर हम देखते हैं कि सारी कैट्स अपनी ट्रेवल पेनी कैप्टन के पास एक मशीन से जमा करती है। बॉब सैम को बताता है कि कैप्टन उसे ज़रा पसंद नहीं करती। बॉब सैम से कहता है कि मैं कैप्टन का बातों में ध्यान भटकाऊंगा और तुम उसे दरवाजे से मुझे दूसरी तरफ मिलना, और प्लान के हिसाब से बॉब वैसे ही करता है और वो दोनों दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर बॉब सैम को अपने दोस्त जेरी की यूनिफॉर्म देता है और वहाँ दो लैप्रिकॉन के आने पर वो उनसे कहता है कि सैम एक लैप्रिकॉन है जो कि लातविया से आई है। लातविया वाले लैप्रिकॉन बहुत लंबे होते हैं और वो उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। बॉब सैम का स्वागत करता है लकलैंड में जो बहुत शानदार होता है। बॉब सैम को उसके पीछे आने के लिए कहता है और वो लिफ्ट से आगे निकल जाता है जहाँ सैम लिफ्ट से आते आते फंस जाती है और बॉब उसे बताता है कि यहाँ सब लकी है तो उनके साथ तुम थोड़ा घुल मिल जाओ। फिर बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी से मिलवाता है जो बहुत हंसता खेलता रहता है और बहुत हेल्पफुल है। बॉब उसे कहता है कि सैम की आज पहली शिफ्ट है और वो उसे वहाँ का प्रोसेस समझाए क्योंकि कैट डिपो के अंदर नहीं जा सकती। जेरी कहता है कि ज़रूर पेनी को सिर्फ पॉलिश करना है और तुम तो एक लकी लैप्रिकॉन हो, तुम तो आसानी से कर सकती हो। ये सुनकर बॉब सैम को रोकता है क्योंकि वो एक लकी लैप्रिकॉन नहीं है, वो अव्वल दर्जे की अनलकी इंसान है। पर सैम उसे भरोसा दिलाती है और अंदर पेनी पॉलिश की प्रोसेस शुरू हो जाती है जहाँ सैम के हाथ में वही पर्स का बटन आ जाता है जिससे सारी गड़बड़ होने लगती है और सैम के हाथ से वो बटन मशीन के अंदर चला जाता है जिससे बॉब सैम को कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब वो बटन के बारे में सबको जल्द पता चल जाएगा। तभी जेरी वहाँ जाता है और सैम उसे सब सच सच बता देती है कि उससे बॉब की ट्रेवल पेनी फ्लश हो गई और वो कोई लातविया की लैप्रिकॉन नहीं है बल्कि एक इंसान है। ये सब सुनकर जेरी परेशान हो जाता है कि अगर वो बटन कैप्टन को मिल गया तो वो बॉब को बैड लक लैंड भेज देगी और वो उसे बताता है कि गुड लक के ठीक नीचे बैड लक की दुनिया है और बैड लक का हिस्सा बहुत भयानक है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कैप्टन को वहाँ बैड लक के कोई कण नहीं मिलते, पर वो बॉब को वहाँ देखकर हैरान होती है। सैम बॉब से कहती है कि कोई खोई हुई पेनी ढूंढकर नहीं लाता, तो जेरी बताता है कि ऐसा पहले करते थे वो भी बनी ड्रोन से, पर जब से कैप्टन आई है कोई भी पेनी खोई ही नहीं। तो सैम कहती है कि हम बनी ड्रोन ले आते हैं, पर जेरी बताता है कि उसे सालों से नहीं चलाया और उसके लिए हमें पहले गुड लक क्रिस्टल लाना होगा लक फ्लोर से, और वो सब लक फ्लोर की ओर बढ़ने लगते हैं। लक फ्लोर पर पहुंचने पर सब सैम को ही देख रहे होते हैं। तब बॉब सब संभाल लेता है और कहता है कि ये लातविया से है और हम इसे हमारा लक लैंड घुमा रहे हैं, जहाँ जेरी सैम को बताता है कि यहाँ गुड लक बनाया जाता है और इसके साथ साथ गुड लक के तरीके सोचे जाते हैं और यहाँ ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जैसे प्यार में लकी, राइट टाइम राइट प्लेस और बहुत कुछ। और फिर वो सब ड्रैगन से मिलते हैं जहाँ जेरी बताता है कि यही तो गुड लक की बिग बॉस है और ये बैड लक का एक भी कण सूंघ लेती है और इसके बाद गुड लक क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है। सैम और बाकी सब कोशिश करके एक गुड लक क्रिस्टल ले ही लेते हैं। फिर जेरी बनी ड्रोन लेने चला जाता है। सैम और बॉब मिशन कंट्रोल रूम जाने का तय करते हैं। बॉब सैम को बताता है कि गुड लक क्रिस्टल तभी काम करेगा जब उसके अंदर का गुड लक बाहर आएगा और ये काम रैंडमाइजर में होता है और उसका चूरा बनाकर इंसानी दुनिया में भेजा जाता है। सैम कहती है कि इसका मतलब लक पर किसी का नाम नहीं होता, तो बॉब बताता है कि इसलिए इसका नाम रैंडमाइजर है, हमारी और तुम्हारी दुनिया लक लाइन से जुड़ी हुई है।
दूसरी तरफ जेरी बनी ड्रोन लेने में कामयाब हो जाता है। सैम और बॉब भी मिशन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां हर एक बनी डेस्क पर एक जॉयस्टिक होती है जिसे ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। बॉब सैम को कुछ भी करने से मना करता है, वो बनीज का ध्यान भटका कर काम कर लेगा। सैम देखती है कि कैसे बनीज हमारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं और इंसानी दुनिया में उनका लक कितना काम का है। फिर बॉब और जेरी अपने काम पर लग जाते हैं और बॉब जॉयस्टिक से ड्रोन को कंट्रोल करता है, पर तभी दूसरी तरफ सैम बॉब को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने आसपास देखे, पर बॉब के ना सुनने पर वो अंदर चली जाती है और सैम गाना गाकर और बनीज के साथ डांस करके उनका ध्यान बॉब से भटकाती है और वह ड्रोन को इंसानी दुनिया से पेनी मिल जाती है और वो वहाँ से जल्दी से निकलने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने पेनी की जगह बटन डाल दिया है और उन्हें 3 लोगों पर शक होता है, जिसमें बॉब का नाम भी होता है, और उस पेनी चोर को हमेशा के लिए बैड लक लैंड भेज दिया जाएगा। जेरी बॉब से कहता है कि ड्रोन पेनी लेकर वापस आ गया है, पर जेरी के पेनी उठाने से पहले ही वैक्यूम मशीन ड्रोन को अंदर खींच लेती है, पर जेरी कहता है कि उन्हें अब भी पेनी मिल सकती है बीचों बीच से जहां इंसानी कचरा जाता है, पर उन्हें वहां जेब के पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। पर लिफ्ट में सैम गलती से बैड लक फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है, जिससे लिफ्ट उन्हें सबसे नीचे बैड लक लैंड में ले जाने लगती है और वहाँ की ग्रेविटी गुड लक लैंड से उल्टी होती है, जिससे उन्हें दीवार पर चढ़ना पड़ता है। वापस लिफ्ट में जाने से पहले सैम पीछे रह जाती है, जिससे बॉब सैम को कहता है कि वो उसे बीचों बीच में मिले। उसके लिए उसे टावर 13 में जाना होगा, जहाँ उसे एक पर्पल लाइट मिलेगी और तुम बैड लक लैंड को एक आईने की तरह समझो, और लिफ्ट बॉब को ले निकलती है। सैम वहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स को देखकर भागने लगती है और बहुत सी मुश्किलों के बाद टावर 13 तक पहुंच जाती है और उसे पर्पल लाइट के वहाँ दरवाजा मिल जाता है, जिसके अंदर से वो बॉब तक पहुंचती है, जहाँ दूसरी तरफ बॉब उसकी मदद करता है और वो उस तरफ आ जाती है। फिर बीचों बीच में सैम और बॉब जेफ को, जो कि एक यूनिकॉर्न है, उसे देखकर छुप जाते हैं, पर वो उन्हें देख लेता है और सैम के जूतों पर लगे बैड लक के कण को साफ करता है और सैम उसे उसके बैड लक मिक्सर मशीन कैसे काम करती है ये बताने के लिए कहती है। जेप एक लॉकेट दिखाता है जिसमें ड्रैगन की तस्वीर होती है। वो बताता है कि वो उससे प्यार करता है, उसने उसे गुड लक लॉकेट देकर उसकी जान बचाई, पर अब वो उसे छोड़कर चली गई है क्योंकि उसे गुड लक लैंड में बैड लक के कण जरा भी नहीं चाहिए और अब वो दोनों अकेले हैं। तभी जेफ बॉब और सैम को बताता है कि उसे आज बनी ड्रोन में एक पेनी मिली थी, पर उसने उसे पेनी डिपो भेज दिया ताकि वो उसे साफ कर सके, जिससे अब सैम ड्रैगन के पास जाने का फैसला करती है क्योंकि जैसे उसने एक यूनिकॉर्न की मदद की थी, उसकी भी मदद कर सकती है और वो हेजल और बॉब के लिए ये खतरा उठाएगी। ड्रैगन सैम को देखकर उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है। तभी ड्रैगन सैम के जूतों से बैड लक को सूंघ लेती है और उसे जल्दी से साफ करवाती है। सैम ड्रैगन को उसके बैड लक के बारे में बताती है, जिससे ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। पर बाहर आते ही वो कैप्टन को बॉब को ले जाते हुए देखती है क्योंकि उन्हें बटन के बारे में पता चल चुका है। तभी सैम जल्दी से जाकर कैप्टन को रोकती है और कहती है कि मुझे बॉब को उसकी लकी पेनी लौटानी है, उसने इसे उसके कॉलर से गिरा दिया था, और बॉब वो पेनी को कैप्टन के पास आखिरकार जमा करवा देता है। फिर बॉब सैम से कहता है कि तुमने वो पेनी मुझे दी। सैम कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुझे हेजल की जिंदगी नहीं बनानी। सैम सोचती है कि वो बैड लक बनने ही नहीं देगी, वो मिक्सर मशीन को बंद करके रैंडमाइजर तक बैड लक को पहुंचने ही नहीं देगी, ताकि हमारी दुनिया में भी बैड लक ना जाए। पर ये सब वो सिर्फ 2 घंटों के लिए करेगी और फिर वो मिक्सर मशीन को बंद कर देती है। फिर वो बॉब की मदद से हेजल को देखती है, जो उन कपल्स का वेट कर रही होती है जो उसकी फॉरएवर फैमिली बनेगी, और फिर सैम बॉब को थैंक्स करके यूनिफॉर्म देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ की सारी दीवारों से बैड लक लीक होने लगता है। सैम और बॉब देखते हैं कि रैंडमाइजर से सारा गुड लक बाहर आ जाता है, जिसे सारा गुड लक लैंड तहस नहस होने लगता है। ड्रैगन सारे स्टोन को देखती है और उसके साथ साथ लकी पेनीज को देखती है, सबको बैड लक ने छू लिया होता है। बॉब अपनी बची हुई लकी पेनी ड्रैगन को देता है, जिसे सबको पता चल जाता है कि वो एक लकी कैट नहीं है। कैप्टन उससे वो पेनी ले लेती है। बॉब कहता है कि वो एक मनहूस काला बिल्ला है, उसे भी लकी बनाने वाली वो लकी पेनी ही थी। तभी सैम कहती है कि उसे अपनी दुनिया, अपने घर जाना है, हेजल के पास। ड्रैगन के पूछने पर वो बताती है कि वो एक इंसान है। ड्रैगन कहती है कि तुमने सबसे गुड लक छीन लिया,
बॉब सैम से कहता है कि उसे वो पेनी तुम्हें दे देनी चाहिए थी, वो मतलब भी हो गया था। पर सैम कहती है कि वही मनुष है, उसकी बुरी किस्मत ने सब खत्म कर दिया। तभी बॉब सैम से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम बुरी नहीं हो सैम, तुम्हारे अंदर तो सिर्फ अच्छाई भरी हुई है, बांटना तो तुम्हारे स्वभाव में है, वो चाहे सैंडविच हो या किसी की मदद करना, किसी की छोटी सी खुशी के लिए अपनी परवाह ना किए बिना सब कुछ दांव पर लगा देती हो। और हेजल को किसी गुड लक की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही दुनिया की लकी लड़की है, क्योंकि उसकी दोस्त तुम हो। जिससे सैम इमोशनल होकर रो पड़ती है। सैम कहती है कि ये सब ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा, तो बॉब कहता है कि हमें थोड़े से गुड लक की जरूरत है। तो सैम बताती है कि नीचे बैड लक लैंड में उसने गुड लक देखा है, और वो दोनों बैड लक लैंड निकल पड़ते हैं। और वो उस जूस शॉप पे पहुंचते हैं जहां सैम बहुत डरने लगती है। पर जैसे ही लाइट ऑन होती है, सब लोग बॉब को वेलकम करने लगते हैं, क्योंकि उसने 8 साल बैड लक में बिताए थे। जहाँ जूस शॉप का ओनर रूटी सैम को भी हेलो करता है, और वो उसे बताती है कि वो एक इंसान है। बॉब सब रूटी को बताता है, और वो उसे लकी बास्केट के पीछे से उन्हें गुड लक की बॉटल देता है। पर वो उसे ड्रैगन के पास नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो जेफ यूनिकॉर्न को उसके पास भेजेंगे। जेफ सैम और बॉब के साथ ड्रैगन के पास जाते हैं, और सैम ड्रैगन को बैड लक और गुड लक दोनों देती है, जिससे रैंडमाइजर ठीक हो जाए। और ड्रैगन अपनी शक्तियों का यूज करके फिर से उस चूरे को 2 स्टोन में बदल देती है। पर ड्रैगन गुड लक के 2 स्टोन बनाती है, क्योंकि अब वो दोनों स्टोन गुड लक के ही लगाएगी, ताकि दुनिया से बैड लक का नामो निशान मिट जाए। पर सैम ड्रैगन को रोकती है और समझाती है कि माना बैड लक खराब होता है, पर हमें फिर भी उन दोनों की जरूरत है। बैड लक के बिना मैं कभी हेजल और बॉब से नहीं मिलती, और आप भी अपने सच्चे प्यार जेफ से नहीं मिल पाती। और ड्रैगन मान जाती है, जिससे सैम गुड लक के साथ बैड लक स्टोन भी लगाती है, और रेंडोमाइजर शुरू हो जाता है, जिससे सब पहले जैसा हो जाता है। और सैम देखती है कि हेजल को भी उसकी फॉरएवर फैमिली मिल गई है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन पहली बार बैड लक लैंड में आती है, और उसके साथ बाकी लोग भी आते हैं, और वो उन्हें एक गुड लक स्टोन गिफ्ट करते हैं। और इसके साथ साथ वो बॉब को भी एक लकी पेनी गिफ्ट करते हैं, और उसे बैड लक लैंड में वापस आने के लिए कहते हैं। पर बॉब मना कर देता है, और सैम से कहता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बिता पाए, तो वो सैम के साथ उसकी दुनिया में बिताना चाहेगा। सैम, क्या तुम मुझे अपनी फॉरएवर फैमिली बनाओगी? और सैम बॉब को गले से लगा लेती है। और फिर हम 1 साल बाद देखते हैं कि सैम और बॉब एक साथ मिलकर हेजल से मिलने जाते हैं। दोस्तों, मेरी नई जिंदगी वैसी नहीं है जैसी सोची थी, बल्कि उससे बेहतर है। हाँ, चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती, पर हम उनके हिसाब से चल सकते हैं। और मुझे अपनी फॉरएवर फैमिली मिल गई, जो प्यार करती है, साथ रहती है, और इसके लिए मैं बैड लक से फिर से लड़ सकती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। ओके, बाय।